सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमास्तुते। पहचाना करो ए बार वाले, सबको एक एक ड्रिंक पिलाओ मेरे खाते में। कौन सा खाता? पहली बार देखा तेरे को। तो कैश ले ले, और वैसे भी जुए की कमाई घर नहीं ले जाते, खर्च कर देनी चाहिए। नहीं चाहिए पैसे। मैं जा सकता हूं अपने पैरों पर? नहीं। ओके, अब जा सकता हूं? नहीं। अब जा सकता हूं? बंदूकों की नुमाइश चल रही है। हाँ, चल अंदर रख, अंदर रख, अंदर रख। ए घूर मत, ज्यादा घूर मत, मालूम है गैर कानूनी काम है।
ए पेटिया, ये क्या नया के टकले? रजिस्टर करवाया इसको? चौकी में आके लाइसेंस दिखा के ले जाना, समझे? साहब ये पट्टे लगाता है। साहब ये आदमी चीटिंग कर रहा था। ए माइकल, सब सच बोल रहे क्या? हाँ साहब, चीटिंग कर रहा था, इसके आस्तीन से पत्ते निकले हैं। तो तुम पत्ते लगाते हो? इतनी छोटी सी उम्र में तुम पत्ते लगाते हो, चीटिंग करते हो तुम? पुलिस स्टेशन में आके अपना अपना FIR लिखा देना। चीटर सर। अब क्या है? मैं अपनी घड़ी और चेन ले लूं? जल्दी चलो। तेरी तो कम से कम इस वर्दी की इज्जत तो कर ले। भाड़े की वर्दी की इज्जत करूं अब? इतने जोर से क्यों मारा तूने? और तूने क्या मुझे हल्का मारा था? सबके सामने मेरा गाल लाल कर दिया। मैं आपका आपका गाल क्या तेरे बाप का माल है? अगर मैं तेरा ये गाल लाल नहीं करता ना, तो भाई लोग तुझे बेहाल कर देते। देख अजय, मेरी बात सुन, ये छोटी छोटी चोरियां छोड़ दे। क्यों करता है छोटी छोटी चोरियां? हेरा फेरी, जेब काटना। अरे अपने छोटे से खानदान का नाम और क्यों छोटा करता है? अरे कुछ बड़ा सोच। इतने बड़े शहर में बैंक डकैती सोच, ज्वेलरी शॉप को लूटना सोच, किसी करोड़पति को लूट के खुद करोड़पति बन जा। समझा के नहीं? हाँ समझ रहा हूँ, और बोल और बोल। देख, 2000 की चोरी करेगा तो 2 साल के लिए जेल में जाएगा, 2 लाख की चोरी करेगा तो भी 2 साल के लिए जेल में जाएगा, और अगर करोड़ों की चोरी करेगा तो जेल जाएगा ही नहीं, खिला पिला के भारी पड़ा रहेगा। आ, आ, नहीं यार, देव 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 मेरे भाई, बूंद बूंद से सागर भरता है। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी। अरे क्या है, क्या है? अरे गुरखा, रोज सवेरे सवेरे तुम अपना तो मनुष्य चेहरा दिखाता है, ये दूसरा तो मनुष्य चेहरा किधर से लेकर आया है? हम लोग प्लम्बर लोग हैं, ये ताकी चंद, और मैं फ्लश राम। ये खोलता है, मैं फिट करता हूँ। हाँ। उधर किससे बात करते हैं? मैं इधर हूँ। इधर क्या खोलने और फिट करने को आया है? आपका धर्मपत्नी ने कंप्लेंट किया है, आपका घर के नल में पानी नहीं है। क्या बात करता है? मेरे घर के नल में पानी नहीं है? अरे मेरे घर के नल में बहुत पानी है, अक्खा दिन बैठा रहता है, दिखता नहीं अभी हाथ-मुंह धो कर आया है। नहीं नहीं, आपकी बीवी ने कंप्लेंट किया है कि आपके नल में पानी तो शायद है, लेकिन पाइपलाइन में फॉस कम है। अच्छा, मेरी बीवी ने कंप्लेंट किया है नल के बारे में? फिर तो होएगा, उसको आजकल शावर में फोर्स ज्यादा लगता है। दिखाइए, देख लीजिए। किधर है? अरे जिधर होता है उधर ही होएगा ना। बाथरूम में। बाथरूम किधर है? आओ दिखाता हूँ। चलो टाकी चंद, तुम साफ करो। टाकी, मैं खोलता हूँ नल। अरे जल्दी कर, टाइम वेस्ट होता है। आता है आता है। कैसा कैसा लोग है बिना फोर्स वाले नल के साथ रहते हैं। अरे अरे सब गीला होता है, क्या करता है यार? अरे क्या खड़ा खड़ा मुंह क्या देखता है? आके डालो नहीं। अरे क्या किधर डालो? अरे उंगली डालो ना अंदर आके। ऐसा अक्खा बोला ने? आजा बोलता है तो मेरे को डर लगता है। डाल, डाल, अब दबा के पकड़ो अभी। हाँ डाल, आराम से बैठो अभी, पॉटी पे बैठो। तुम इधर बैठो, हम जाके टाकी चेक करके आते हैं। कुछ समझ में नहीं आता है। उठना नहीं यहाँ से, बराबर बैठना, उंगली डाल के रखना, पानी नहीं टपकना चाहिए। मैं जाके टाकी चेक करके आता हूँ। पानी कैसे निकलेगा? उंगली निकालूंगा तो पानी निकलेगा ना? बीवी ने मेरे को मुसीबत में फंसा दिया। फ्लश भाई, कितना टाइम लगाएगा? मेरा उंगली डूबता है यार, टूट गया देखो। हाँ
डर मत, मैं हूँ। मेरे पास एक प्लान है। मैं उधर जाता हूँ, उसको देखता हूँ और दोनों को एक एक पंच मारता हूँ और फिर चलते हैं। अरे पागल है क्या, ये मुंबई पुलिस है, मारा मारा तो 20 साल के लिए अंदर हो जाएंगे। देख भाई, बहुत माल पानी गाड़ी में, कुछ खिला पिला के पटा ले देना। क्या बोलता है तू? बात करना खिलाने पिलाने की। मैं बात कर लूंगा यार, इसमें क्या, तू मारना मत। हेलो, मैं सब इंस्पेक्टर उल्टप्पन, तुम लोग कौन? हम लोग प्लम्बर हैं। मैं टाकीचंद और ये फ्लशराम। टाकीचंद फ्लशराम? यस यस। क्या बाथरूम में पैदा हो गया था? नहीं, म्युनिसिपैलिटी हॉस्पिटल में। म्युनिसिपैलिटी हॉस्पिटल में? ये म्युनिसिपैलिटी वाला बहुत तरक्की कर रहा है, इतना गोरा गोरा बच्चा पैदा कर रहा है। आई एम वेरी हैप्पी। ये तेरा आधा मूच रे, आधा मूच के भाड़े पे दिया जी? नहीं। क्या अजाम को आधा पैसा दिया जी? नहीं, खानदानी है। खानदानी? तुम्हारा खानदान में मूच आता नहीं, लगाना पड़ता। मेरे को सैंडी लगा था। यो पुटिंग सैंडी ऑन माय हेड। तेरी भागने की कोशिश मत कर रे, उल्टपन से उल्टा काम नहीं। ये तेरे दांत में सूजन कैसा रे? बोल बोल बोल। दांत काया? ये दांत आता जाता है। ये आता जाता है, ये आना जाना मैं तेरे को सिखाएंगा। चल अंदर। नहीं सर, हम अच्छे इंसान है सर। अच्छे इंसान है? उधर इम्पोर्टेड सामान है, इधर जुगे आसमान है। अच्छा इंसान है? माफ कर दो। क्या माफ कर दो? तुम पूरा घर साफ कर दो और हमको बोलता माफ कर दो। ए, मैं पुलिस वाला है, अच्छे अच्छे को अंदर करके बाहर निकाले मालूम। भागने को मैं भाग नहीं रहा हूँ। ओके भाई। सर मजबूरी थी सर। देखिए सर, मैं आपको सब समझाता हूँ। मेरी माँ का इंतकाल हो गया, करिया गर्म करने के लिए पैसे नहीं थे मेरे पास, और ये 4 साल से कॉलेज की फीस नहीं भरी है, इसलिए मैं क्या करता। वेरी सैड, वेरी सैड। तुम लोग अच्छा काम करने के लिए चोरी करता। आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ माई बॉयज, आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ यू। कोई बात नहीं, तुम लोग जाओ इधर से, हम तुमको माफ कर दिया। इसको लेकिन ऐसा निकलो जैसे कभी यहाँ आया नहीं था। ओके ये निकाल, ये पुलिस निकाल, इधर। अच्छा वो दोनों भाग गए, बड़े खतरनाक थे। वो लंबू तो बहुत ही खतरनाक था, कुत्ते की तरह मारने वाला था। एक काम कर, तू सामान लेके पहुंच जा मारवाड़ी के हाथ, भेज दे और माल लेके शाम को अड्डे पे आना, और पूरा हिसाब बराबर। ओके, तू गाड़ी लेके निकल, भाई गाड़ी लेके निकल। सो चल निकल निकल। साला इतना अच्छा लंबा तगड़ा हाथ मारा था मगर कोई फायदा नहीं। अब अगली बार देखना, ऐसा कुछ करूंगा कि सीधा करोड़पति बन जाए, डायरेक्ट ओवरनाइट। हाँ, करोड़ रुपया बाजार में 2 रुपए किलो बिकता है ना, जो जाके खरीद लेगा। बात करता है। अरे खरीदूंगा नहीं यार, पटाऊंगा। देख मेरी बात सुन, ऐसी जगह जाऊंगा जहाँ अमीर से अमीर घराने की लड़कियां आती हैं, और ऐसी एंट्री मारूंगा कि मुझे देखते लड़की घायल, घायल के बाद प्यार, प्यार के बाद शादी, और शादी के बाद मैं घर जमाई बन जाऊंगा। वो मेरी पत्नी, मैं उसका पति, बन गया ना करोड़पति।
यादों के बने हुए हैं हम। दावा है हमारा तुमको पाके रहेंगे, एक रोज अपना बना के रहेंगे। कोई नहीं तेरे जैसा, कोई नहीं मेरे जैसा, हम दोनों मिल जाए तो मेल रहेगा ये कैसा। आपका होटल भी कितना अच्छा है। आपका नाम क्या है? शर्मिली। अरे वाह, कितना अच्छा नाम है, बहुत शर्मिला। एक कोक प्लीज। ए, एक कोक प्लीज। वो जो आपकी गाड़ी है ना बाहर, आपकी मर्सिडीज, कितनी अच्छी गाड़ी है। आज की शाम की तरह, आज की शाम भी बहुत अच्छी है, सब अच्छा है। आपका साथ भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। लेकिन मैडम, ये अच्छा आदमी नहीं है। आप हॉस्पिटल से कब आए? रिपोर्ट तो पॉजिटिव होगा। मैडम, इसे बड़ी भयंकर सी बीमारी है। वो क्या अच्छा सा नाम है, वो क्या कहते हैं? टपकेगा, जरूर टपकेगा साला। और तू अपने आप को बहुत अच्छा साबित करना चाहता है ना, अपनी क्यों नहीं बताता? तू जेल से कब निकला बे? हाँ? अरे मेम साहब, 14 साल की नाबालिग लड़की को रेप। आप किसी मंदिर में जाकर अपने पापों का अच्छी तरह से प्रायश्चित कर लीजिए। हाँ, और आप yes? किसी अच्छे से मेंटल हॉस्पिटल में जाकर अपने दिमाग का अच्छी तरह इलाज करा लीजिए। Cheerio boys। वैसे आप दोनों बड़े अच्छे इडियट्स हैं। अच्छी लड़की है। बहुत अच्छी, अमीर लड़की थी। बिल सर। देव, तुझे कोई बुला रहा है? ₹60? अच्छी लूट मचाइए। यस सर। 5-star होटल है ना? एक्सक्यूज मी, ये है बिल आपका। 60,000? एक कोल्ड ड्रिंक का? नहीं, आपने हमारे होटल के शीशे तोड़े थे घोड़े से और आपने बाइक से तोड़ा था। नहीं यार, ये गलत बोल रहा है। नहीं, घोड़े से। Excuse me, मेरा। अरे एक सेकंड यार, मैंने घोड़े से मैंने थोड़ा सा। देखिए मुझे मेरा बिल चाहिए। आपको आपका बिल मिल जाएगा। कितना है? 60,000। ये लीजिए, 60,050 खत्म। और देखिए हमारे पास ₹500 है और वो भी लगता है मुझे गायब हो चुके। दो गुंडे पड़े हुए, प्लीज मेरी मदद कीजिए। प्लीज, मैं आप लोग को पैसे देने के लिए तैयार हूँ, जितने भी है आप लोग ले लीजिए। अरे क्या है जी? वो लड़की। लड़की का नाम नहीं ले रहा, लड़की अब हमारे ताबे में। देखिए वो लड़की से एक लड़की दफ्तर को पहुंचने का है ना, अपने हाथ पैर तोड़वाने पड़ेंगे। यहाँ ये दोनों का थोबड़ा तोड़ू क्या? गुरु, खींचू क्या? नहीं, हमें नहीं पता था इस लड़की के इतने चाहने वाले। मुझे भी। चले खजुए, चले चल, 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 चल। हम लोग जा रहे हैं। जा रहे हैं। आ, चल, चल, निकल, चल, 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 वो तो चले गए। अच्छा जी, मैं भी चलती हूँ। मैं जानती थी आप लोग मेरी मदद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप लोग का। गुड नाइट, सी यू। क्या समझी तू? हमने सब पैसों के लिए किया? अरे तू चीज इतनी मस्त है तो पैसा क्या चीज है मेरी जान? Yeah.
दोनों फिर वापस आ गए? एक दो तीन चार पाँच छह सात। कितने आदमी हैं अजय? सात। और वो भी सात सात फुट के। और हम दो? नहीं, हम एक। क्या मतलब? आज मेरा संतोषी माँ का व्रत है भाई लोगों, आज मैं कुछ खाता पीता नहीं हूँ। और वैसे भी तुम्हें मेरी क्या जरूरत है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम अकेले इन सबको मार मार के भरता बना सकते हो। ओके अजय, लगी शर्त? भाई लोगों, अब आपका राम नाम सत्य। पकड़ उसे अजय। शर्त लगी है। ये टपोरी गिरी का काम लड़कियों को शोभा नहीं देता।
इज्जत एक बार गई तो वापस नहीं आती, समझी? जैसे तुझ जैसा रखवाला मिल जाए ना राजा, उसकी इज्जत को कौन छुएगा? अब तो जिंदगी भर तू ही मेरी इज्जत की रक्षा करेगा। मिस पापी, क्या काम है? शगुन लाई हूँ शादी का। मेरा भी शादी का कोई इरादा नहीं। वाओ नौटी, आपका नहीं आपके बेटे का। चलो चलो देख क्या रहे हो, कमन कमन कीप इट हरी आप। ये शगुन है तो शादी पक्की। कौन सा वाला, छोटा वाला या लंबू? छोटा वाला नहीं, ऊंचा वाला। नहीं हो सकता। क्यों? अरे वो लंबा वाला लड़कियों के मामले में बहुत शर्मीला है। लड़की दरवाजे से अंदर आती है, वो खिड़की से कूद के बाहर चला जाता है। ओहो, उसकी फिक्र आप मत कीजिए, मेरी बेटी तो मेनका है, मेनका। एक बार दोनों मिल जाए तो सारी शर्म वरम दूर हो जाएगी। सो तो है, खंडर बता रहा है कि इमारत बुलंद होगी। वो मैं कह रहा था कि अगर आपका और मेरा कुछ हो सकता तो। नॉटी बॉय। वैसे आपका बेटा कहाँ है, जरा मैं भी एक नजर मार लूं। जी वो घर पे नहीं है, बाहर गया है। कोई बात नहीं, आप उसे शहर के बाहर वाले खंडर पे भेज दीजिएगा, मैं उधर उसका इंतजार करूंगी। जी? मेरा मतलब मेरी बेटी। यस। Yeah.
मुलाकात नहीं, शादी नहीं बनता है कोई, कहते हैं जिसको प्यार सभी टिक कर होता नहीं। आप क्यों चिंता करते हैं? आपसे कोई मोहन त्रिपाठी साहब मिलने आए हैं। हाँ हाँ भेजो। जी सर, आइए। नमस्कार, कौन है आप? सर मोहन त्रिपाठी नाम है मेरा, चार बार आपसे मिल चुका हूँ और 3 महीने से कंप्लेंट भी दी है, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई सर। सुनवाई तो होनी ही चाहिए, हम यहाँ मंत्री बने किस लिए बैठे, सिर्फ सुनने के लिए ना? ये देखो, हमने सुनने का यंत्र भी लगा रखा है। अच्छा बोलो, क्या कष्ट है? हम साफ सुन रहे हैं। सर, एक आदमी हमारे गांव की सारी जमीन हथिया कर वहां पर शुगर मिल और शराब की फैक्ट्री लगाना चाहता है। कौन है जो ये काम कर रहा है? सिंघानिया नाम का बिजनेसमैन है, बहुत ही बुरे कैरेक्टर का आदमी है वो। हमारे गाँव का रहने वाला था सर, 5 साल पहले अपनी गंदी हरकतों के कारण गाँव वालों ने इसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। अपने बड़ों के बारे में ऐसा नहीं बोलते। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं सिखाई? उन्होंने तो मुझे पूरी तमीज सिखाई है सर, कि किसकी इज्जत करनी चाहिए और किसकी नहीं। मेरे पिताजी स्कूल मास्टर हैं और वे 30 साल से गांव के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और उनका नाम दीनानाथ त्रिपाठी है सर। और मंत्री जी, मैं आपसे इस बार ये कहने आया कि हम उस सिंघानिया को तो अपना गाँव छीनने नहीं देंगे। मैं आज शाम की बस से गाँव जा रहा हूँ, अगर आपने इस बार कोई एक्शन नहीं लिया तो यकीन कीजिए मैं अपने पूरे के पूरे गांव को लाकर आपके इस दफ्तर पे खड़ा कर दूंगा। नमस्कार। और एक बात मत भूलिए कि आपकी इस कुर्सी के ऊपर भी एक कुर्सी है, हम वहां भी जा सकते हैं। ये तो हमारे दफ्तर में आकर हम ही को धमकी दे गया। सुना आपने सिंघानिया साहेब? सुनने के लिए तो आप कुर्सी पर बैठे हैं, सिंघानिया सुनता नहीं, करता है। विक्टर, ऊपर जाने का बड़ा शौक है इस बच्चे को, इसे वहां पहुंचा दो जहां रूहें जाती हैं, बसे नहीं।
देव, तू बड़ा आदमी कभी नहीं बन सकता, पता है क्यों? तू मेरी तरह सोचता ही नहीं यार, अभी ऐसे कैसे लेगा? क्या हुआ अभी? सब कुछ हो गया। देव, मैं एक मिनट में आता हूं। अजय, मेरी बात। भाई साहब, तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुमने क्या कर दिया। मेरी मां, मेरे पिताजी, मेरी बहन, सबकी उम्मीदों का तुम खून कर दिया। भैया, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। हमेशा घर आने को लिखते तो हो पर आते नहीं। पिताजी आजकल बहुत परेशान रहते हैं। मालूम है, लाला रोज अपने पैसों की मांग करने चला आता है। सिर्फ आप ही उसे समझा सकते हैं। वैसे भी राखी का दिन तो आने ही वाला है और उस दिन तो आपको आना ही पड़ेगा। देव, कब तक यहाँ खड़ा रहेगा यार? बहुत रात हो गई। घर नहीं चलेगा क्या? जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में होती है। शायद उसकी मौत ऐसी ही लिखी थी। देव, ये सब कुछ कहने से हमारा जुर्म कम तो नहीं हो जाएगा? जुर्म? जुर्म, पाप, गलती, चाहे जो कुछ भी कह लो, हमारी है। हम ही उसके मौत के जिम्मेदार हैं।
ना तू उसका पॉकेट मारता ना वो हमारे पीछे दौड़ता। वो तो बेचारा अच्छा वाला अपने गांव जा रहा था, हमने उसका रास्ता काट के उसे मौत की तरफ ढकेल दिया। हमने अजय, हमने एक नहीं चार चार जिंदगियां बर्बाद की है, चार जिंदगी। तू वाकई जा रहा है? हाँ। अरे क्या जरूरत है गांव जाने की? देख देव, तुम्हारा मकसद वहां पैसे पहुंचाने से है ना? अरे तुम मनी ऑर्डर कर दे, पैसे पहुंच जाएंगे। अरे बाबा से समझाना। अजय ठीक कह रहे देव। बाबा तुम चुप रहो, तू भी ठीक कह रहा है। ये तेरा दिमाग तो नहीं सड़ गया? तू कभी गांव गया है? गांव की शक्ल तक देखी है? वहां धूल और मिट्टी के अलावा कुछ नहीं मिलता। तो मैं चलना है चलो, नहीं चलना है मत चलो, मैं जा रहा हूँ बस। अच्छा बाबा मैं जा रहा हूँ। तो जा जा, अकेले जा, मैं नहीं आ रहा। चलो अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, एक तो बीच में रोक दिया बस। चलो भाई साहब, ये बस कहाँ जा रही है? धूल मिट्टी के गांव में। हाँ साहब, किधर का टिकट? से बात कर रहे? बोलो। शहर से आए हो? मुझे पता है कि शहर वाले बहुत बदमाश होते हैं। या कभी भी लफड़ा या झगड़ा मत करना, क्योंकि मैं बड़ा ही कड़क थानेदार हूं। तेरी तो हो, क्या ऊंचे ख्यालात हैं आपके। आप कितने महान हैं, बिल्कुल शोले के संजीव कुमार की तरह, और वो भी बाजुओं के साथ। जी करता है आपसे एक बार गले लग जाऊं। वाह, काश बंबई की पुलिस भी आपकी तरह होती। इंस्पेक्टर साहब, हम दोनों बहुत शरीफ लड़के हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमारी वजह से, मेरा विश्वास कीजिए। हाँ क्या रे, क्या ड्रामा हो रहा था वहां? ये लगता है यहाँ की पुलिस को हफ्ता नहीं मिलता, सिर्फ 125 रुपए मिले। तूने उस पुलिस वाले की जेब मार ली? वो हमारे साथ कुछ ज्यादा ही होशियारी मार रहा था, तो मैंने उसकी मार ली बस। तू नहीं सुधरेगा। ओ भाई साहब, ये दीनानाथ त्रिपाठी जी कहाँ मिलेंगे? मास्टर जी? हाँ? मास्टर जी इस वक्त और कहाँ मिल सकते हैं, वो सामने स्कूल में पढ़ा रहे हैं। सादुनी सातिया चौका। हम कितना? 28। 28? अच्छा 28। कौन है आप लोग? जी हम लोग मोहन के दोस्त हैं और शहर से आए हैं। मोहन के दोस्त हो तुम लोग? बच्चा लोग आज छुट्टी, जाओ अपने अपने घरों को जाओ। नहीं आया जी, वो परीक्षा है। क्या? वो परीक्षा दे रहा है जी। वो पहले बीमार था, अब परीक्षा दे रहा है जी। अब तो ठीक है ना वो? जी बिल्कुल। अच्छा
तुम लोग आओ आओ, घर चलते हैं, आओ चले। चलिए कुछ नहीं मासी, दो चार दिन में मोहन आ जाएगा जैसे ही परीक्षा खत्म। ये क्या पागलों की तरह भागी जा रही है, कहाँ जाना है तुझे? क्या करूँ पिताजी, इतनी सारी चीजें जो लानी है, माँ को गाजर का हलवा बनाना है, बेसन के लड्डू बनाने, मीठी पूरियां बनानी है, अचार बनाने। मोहन भैया जो आ रहे। ये कौन है पिताजी? ये मोहन के दोस्त हैं, देव और अजय। मोहन नहीं आ रहा बेटा, अब मायूस क्यों होती है, दो तीन दिन में आ जाएगा। अच्छा माँ के लिए बहुत सारी चीजें लानी है ना, चल भाग 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 भाग। हाँ शाबाश, जल्दी आना। हाँ हाँ आ जाऊंगी। मोहन की माँ और उसकी पत्नी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उसका। कैसा है? अच्छा है। मोहन कैसा है? मोहन मोहन अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत पढ़ाई कर रहा है वो। अच्छा। चश्मा लगाकर पढ़ता है। चश्मा लग गया उसको? देखा मैं कहती थी ना, 24 घंटे पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, उससे आंखें कमजोर हो जाती है। चश्मा लग गया मेरे। चश्मा लग गया तो कौन सी आफत आ गई, मुझे भी तो लगा हुआ चश्मा इतने सालों से। मगर ये जी माजी पढ़ते वक्त ही चश्मा पहनता है। अरे बहू जरा सबके लिए चाय लाना, मैं भी पीऊंगा। जी बाबूजी अभी लाई। बहू कितनी बार कहा इस हालत में वजन मत उठाकर, रख दे उसे, रख दे। अच्छा माँ जी, हम दादा दादी बनने वाले हैं। बाबूजी इनसे पूछिए ना, उन्होंने मेरे लिए कोई चिट्ठी भेजी होगी। जी हाँ चिट्ठी तो भेजी थी, मगर वो क्या है ना, शहर में बहुत चोरी चकारी होती है, किसी ने मेरा पर्स मार लिया, चिट्ठी उसी में थी। आप लोग बैठिए, मैं अभी आता हूँ, यही बैठिए आप। मास्टर, मेरा हो गया क्या? हाँ, दरवाजा बंद कर या खुला रख, नहीं छोड़ूंगा। मास्टर लाला वजन लाल नाम है मेरा, जो भी बोलू तोल तोल के बोलू, जो भी करूँ खोल खोल के करूँ। धीरे बोलो लाला, घर में कुछ मेहमान आए हैं। मेहमान आया है तो मुझे क्या, मुझे तो मेरा पैसा चाहिए। देखो लाला, मैंने तुमसे 4 साल के लिए पैसे लिए थे, अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ और तुमने अभी से पैसे का तकाजा शुरू कर दिया। हद हो गई शराफत की, खुद का पैसा मांगना तकाजा हो गया। अब मुझे मेरे पैसों की जरूरत पड़ी तो क्या मैं दूसरों के सामने हाथ फैलाऊं या 3 साल और इंतजार करूं, क्योंकि तुमने 4 साल का वक्त मांगा था, मुझे मेरा पैसा चाहिए तोल तोल के। लाला जो तुम कह रहे हो सही कह रहे हो, मैं जानता हूं, लेकिन अगर थोड़ी सी मोहलत मिल जाए। उसे ये कंगन देकर टाल दीजिए, कुछ दिन तो चुप रहेगा। कैसी बातें कर रही हो, ये कंगन तो तुम्हें शारदा की शादी के लिए संभाल कर रखने को कहा था, जाओ जाकर रख के आओ। मैं कहता हूँ जाओ इन्हें अंदर रख कर आओ। लेकिन ये... मैं कह रहा हूँ ना जाओ। क्या बात है मौसी जी, कौन है आदमी? ये हमारे गांव के साहूकार हैं। लाला वजन लाल नाम है मेरा, जो भी बोलू तोल तोल के बोलू, जो भी करूं खोल खोल के करूं। मास्टर आज मैं फैसला करके आया हूँ कि अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं घर पर कब्जा कर लूंगा। हाँ ओ, ये कब्जे की बात मत करना, पैसे चाहिए ना मिल जाएंगे, चल। हा? जी मास्टर जी, हम पैसे ले आए, मोहन ने भेजे। मोहन? जी हाँ। घर के कागजात ले आना सुबह और अपने पैसे ले जाना। पूरे पैसे लूंगा, ब्याज के साथ, 5 रुपए भी नहीं छोड़ूंगा। अरे बोला ना पूरे ले जाना, लेकिन अब तो जा। कल सुबह आऊंगा, कागज पत्र लेकर आऊंगा, 1 रुपया भी नहीं छोड़ूंगा। मैं आऊंगा। मास्टर जी ये पैसे मोहन ने भेजे हैं, इन्हें लेकर आप अपना घर छोड़वा लीजिए। पूरे 17,000 हैं मास्टर जी, वो भी 500-500 के नोट, हमने 1 पैसा नहीं लिया। हाँ आप गिन के देख लीजिए। 17,000 रुपए, लेकिन मैंने तो 4 लाख रुपए लिए थे। 4 लाख?
मोहन की डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए थे। इस गांव में कोई डॉक्टर या अस्पताल नहीं है ना, तो मैंने सोचा अगर मोहन डॉक्टर बन जाएगा तो इस गांव का भला हो जाएगा। लेकिन लाला ने वक्त से पहले पैसे मांगने शुरू कर दिए। क्यों? लेकिन सवाल पैसों का नहीं है, मैं जानता हूं लाला को मेरा घर और मेरी जमीन चाहिए। लाला को? लाला को भी नहीं, दरअसल इसके पीछे भानु प्रताप का हाथ है। ये भानु प्रताप कौन है? ये गांव भानु प्रताप के बड़े भाई सूरज प्रताप सिंह की जागीर थी। सूरज प्रताप सिंह जितने भले इंसान थे, भानु प्रताप सिंह उतना ही अय्याश, बदमाश और आवारा आदमी था। और एक दिन तो भानु प्रताप के कमीनेपन की इंतहा हो गई। कैसी हो सुलक्षणा? ये क्या बदतमीजी है, चले जाओ यहाँ से। डर मत, तू जैसी खूबसूरत औरत की जगह इस गांव में नहीं, मेरी हवेली में है। अपनी हवेली में ठकुरायन की जगह अभी तक खाली रखी है मैंने। चल। बहुत कपड़े धो लिए तूने, अब ये ठाकुर रोज तेरे हुस्न की पूजा करेगा। भाई साहब, क्या कर रहे हैं आप? भाई साहब मुझे माफ कर दो, मुझे भाई साहब मुझे माफ कर दो भाई साहब। भाई साहब मुझे माफ कर दीजिए भाई साहब, बख्श दीजिए मुझे भाई साहब। आज ठाकुर सूरज प्रताप सिंह तुम्हें नहीं बख्शेगा। तुम्हारी बेशर्मी और बदचलनी आज खुद मुंह फाड़े हमसे तकाजा कर रही है कि ठाकुर खानदान से तुम्हारा जुड़ा हुआ ये नाम हमेशा हमेशा के लिए काट दिया जाए। हम तुम्हें अपने बाप दादा की जागीर से बेदखल करते हैं। नहीं भाई साहब ऐसा मत कीजिए भाई साहब, मुझे माफ कर दीजिए भाई साहब। इतना ही नहीं, सूरज प्रताप ने भानु प्रताप को गांव वालों के हवाले कर दिया और गांव वालों ने उसकी बहुत बेइज्जती करके बदलापुर से निकाल दिया। सालों साल बीत गए, भानु प्रताप को सब भूल गए। सुना था आसमान से फरिश्ते उतरते हैं, पर उस दिन इस गांव में आसमान से एक शैतान उतरा था। भानु प्रताप ने भोले भाले गांव वालों को बहकाने की बहुत कोशिश की। हम इस गांव की जगह एक आलीशान ऊंची ऊंची बिल्डिंगों का शहर बना के देंगे आप लोगों को। ऐसा कुछ नहीं करेगा तू, क्या लेक्चर दे रहा है? यही कि हमारे घरों को तोड़कर ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में तू कबूतर खाने देगा हमें, जिसे तुम शहर वाले फ्लैट्स कहते हो, जहां इंसान ठीक तरह से सांस भी नहीं ले सकता। खुले आसमान की जगह एक बंद कमरे की घुटन देगा तू हमें। तू हमसे हमारी जमीन का सौदा करने आया है, लेकिन एक बात याद रख भानु प्रताप, किसान के लिए उसकी जमीन उसकी मां होती है, और कोई अपनी मां को नहीं बेचता, कोई नहीं बेचता अपनी मां को। दुनिया चांद तारों तक पहुंच गई मास्टर, तेरे पाव अभी तक मिट्टी से बाहर नहीं निकले। आज भी वही तेवर है जो बरसों पहले थे। अपनी मां को कोई नहीं बेचता, मगर गिरवी जरूर रखता है। जैसे आपने अपना मकान और अपनी जमीन लाला के पास गिरवी रखी है। लाला,
इस गांव के हर बच्चे को मास्टर ने पढ़ाया है। आज वो बच्चा अपने घर का मालिक बन चुका है। वो वही करेगा जो मास्टर करेगा। हमें मास्टर का घर और उसकी जमीन चाहिए। एक बार हमें मास्टर की जमीन और उसका घर मिल गया तो गांव के सारे घर उसके पीछे पीछे भागते आएंगे और फिर कबूतर खाने भी इनके नसीब में नहीं होंगे। उस वक्त तो गांव वालों ने मेरी बात मान ली और एक गांव टूटने से बच गया, लेकिन अब अगर मेरा घर टूटा तो मेरे पीछे पीछे सारा गांव टूट जाएगा। खैर, तुम लोग बहुत दूर से आए हो, थक गए होंगे। जाओ जाकर थोड़ा आराम कर लो। कल का कल देखा जाएगा। गुड नाइट। गुड नाइट। कल का इंतजार नहीं करना देव, इसी वक्त निकल लेते हैं पतली गली से। रात को कोई ट्रेन या बस नहीं जाती तो पैदल निकल जाते हैं यार। कल सुबह लाला आएगा पैसे मांगने तो क्या जवाब देंगे? ना मैं इंसान हूँ ना मैं भगवान हूँ, अरे दुनिया जो चाहे समझे मैं तो शैतान हूँ ना। अरे अरे काय को घूम रिया खोल खोल में, अरे रुक, अरे वाकई तू मेरा भाई है। नोट देख के तेरे दिल की धड़कन भी रुक जाती है। माया तेरे तीन नाम, पटसी पटसा परस राम। असली है। एक और मजा आ गया। एक और, भगवान करे ये रास्ता कभी खत्म ही ना हो। खोल खोल के वजन लाल, आज तेरी तिजोरी का वजन और बढ़ने वाला है। तोल तोल के ऐ तेरी, चोर चोर। अच्छा गधा, मुझको गधा बोला? गधे को गधा बोला। अच्छा, एक ही बात है, वैसे भी दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। नहीं। लाला कागज पत्र निकाल। कौन से कागज पत्र? मास्टर जी के घर और जमीन के। ऐसे कैसे निकालू तोल तोल के? मेरे पैसों का क्या होगा खोल खोल के? जितनी तेरी औकात थी तूने जमीन से उठा लिए और बाकी के ये हैं। ये ले पैसे। ले। धोती उठा। उठा ली। गधे पे बैठ और वनटास की गोली ले। चल। तू भी मारता है। नमस्ते। 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 देना है? ये आपके घर और जमीन के कागजात। तुम्हारे पास कैसे हैं? लाला ने दिए। लाला ने दिए? बिना पैसों के ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। मास्टर जी, लाला बुरा आदमी नहीं है। अरे बहुत अच्छा आदमी है, बड़ा दयालु है। बड़ा ही हमदर्द आदमी है। जब हमने बताया कि आपकी इतनी परेशानी, आप कितने अच्छे इंसान है, सीधे मैं तो उनके पांव पड़ गया और फिर ये तो बहुत गिड़गिड़ा उनके सामने। नहीं देव, पांव मैंने पकड़े थे, तू गिड़गिड़ाया था। जी, पांव इन्होंने पकड़े थे, गिड़गिड़ाया मैं था। मैं तो रो भी पड़ा। तुम रो पड़े मेरे लिए? अरे मास्टर जी, मेरे आंसू ही तो देखकर लाला ने अपने जेब से कागजात निकाल कर देव को दिए और फिर वो भी रो पड़ा। क्या हुआ? कुछ नहीं मच्छर। और तो और, उसने कहा कि मास्टर जी को जब भी पैसों की जरूरत पड़े मैं देने को तैयार हूँ बिना सूद के। अब क्या हुआ? मच्छर, बड़ा मच्छर। मास्टर जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। मास्टर जी, अगर यकीन नहीं है तो किसी से भी पूछ लीजिए, सबके सामने कहा लाला ने। अच्छा, मैं सुलक्षणा को जाकर बताता हूँ, बेचारी वो बहुत खुश होगी। सुलक्षणा बहू, असंभव संभव हो गया, लाला ने हमारे कर्ज के कागज वापस कर दिए। ये देखो, देव और अजय हमारे लिए फरिश्ते हैं, उनके आते हमारी सारी मुसीबतें टल गई, हमारा घर बच गया। सुलक्षणा, सच बाबूजी? हाँ। पर ये अचानक लाला इतना अच्छा इंसान कैसे बन गया, क्या पता? साले मेरे ही पैसे मुझी को, साले कमीनों, मैं तुम दोनों को छोड़।
ए लाला, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? हम तो तुमसे प्यार मोहब्बत की बात करने आए हैं। लाला, हम तो तेरे दुख दर्द बांटने आए हैं। दुख दर्द? हाँ। देव, लगी शर्त, लाला पुलिस के पास जाएगा। ना, नो? नहीं जाएगा। चल दूसरी शर्त, लाला मास्टर जी के पास जाएगा। नहीं, नहीं जाएगा। आखिरी शर्त, मैं घोड़ा दबाऊंगा, लाला की खोपड़ी फट जाएगी, लेकिन लाला मरेगा नहीं। नहीं, मैं मामा मर जाऊंगा। ये लग गई। घोड़ा मत दबाना, शर्त मत लगाना। मैं पुलिस के पास नहीं जाऊंगा, मैं मास्टर के पास नहीं जाऊंगा। क्यों जाऊंगा? क्यों जाऊंगा? जब कुछ हुआ ही नहीं तो मैं क्यों जाऊंगा? घोड़ा मत दबाना बेटे। वजनलाल, देव नाम है मेरा। जब भी मारूं, तोल तोल के मारूं। और मैं जब भी मारूं, समझ गया ना? सिंघानिया साहब। ओम सूर्य देवाय नमः स्वाहा, ओम चंद्र देवाय नमः स्वाहा, ओम सोमाय नमः स्वाहा, ओम मंगलाय नमः स्वाहा, ओम बुधाय नमः स्वाहा, ओम बृहस्पतिय नमः स्वाहा, ओम ब्रह्माकारी क्रांतिकारी भानु शक्ति भूमि सुखो बुद्धे चतुर्थ शनि राहु केतु सर्वग्रह शांति करा भवंतु। क्या बात है लाला? गजब हो गया सिंघानिया साहब। दो शहरी लौंडे मेरे घर में घुसकर मेरी ही तिजोरी तोड़कर मेरा ही पैसा चोरी करके मेरे हाथ में थमाकर वो कागज पत्र ले गए। कौन से कागजात? वो मास्टर जी के जमीन के और घर के। क्या, तुमने वो कागजात जाने कैसे दिए? वो जबरदस्ती लेकर चले गए। लाला, तुम्हारे पास दर्जनों आदमी है और शहर के दो लौंडे तुमसे जबरदस्ती लेकर चले गए? अरे आप चिंता मत करो सिंघानिया साहब, मेरा नाम भी भजन लाल है। जो कुछ बोलू अभी बोलता हूँ। हाँ, तोल तोल के बोलू और जो कुछ करू खोल खोल के करू। शट अप लाला, शट अप। पांच छह लठैत लेकर जाओ और उन दोनों को। अरे पांच छह क्या, 10-12 मुस्टंडे लेकर जाऊंगा और उन दोनों की ऐसी पिटाई करूंगा कि मास्टर के कागजात के साथ साथ वो अपने घर में मेरे नाम पे कर देंगे। देखो लाला, किसी भी कीमत पर मुझे वो कागजात चाहिए, समझे? अरे मिल जाएंगे सिंघानिया साहब, बड़े आए थे शहर से। मंगलू, सुना है कि इस इलाके में एक नया गुंडा आया है और वो तेरी बार में हर रोज आता है तोल तोल के। उसकी बात मत करो लाला जी, बहुत ही खतरनाक गुंडा है और खूंखार भी है। मुझे ऐसे ही खूंखार गुंडे की जरूरत है। कहाँ है वो खोल खोल के? रात को 12 बजे आता है और सुबह 5 बजे तक रहता है। 10:38। मंगलू, एक टेबल अंदर लगा दे और अच्छा वाला माल निकाल नीचे से। मैं 12 बजे तक उसका इंतजार करूंगा खोल खोल जी। अच्छा, विस्की और मसाला डोसा सांबर। लाला भजन लाल नाम है मेरा। जो भी बोलू तोल तोल के बोलू, जो भी करूं मैं खोल खोल के करूं। जिप लगा रहा है। कुछ हो को जिप लगा रहा है। बोलेगा गुंगा, कोलेगा नंगा रहा है। करे पन साहब, दो शहरी लड़कों का काम तमाम करना है। शहर का काम के लिए शहर जा रहे? शहर में मेरा भाई बहुत डेंजर, उल्टपन। शहर में उल्टपन, गांव में गिरपन। वो दोनों शहरी लौंडे गांव में हैं।
मैं उनकी सुपारी देने आया हूँ। सुपारी क्या रे, पूरा पान के बात कर रहा है। नाम क्या तेरा? भजन लाल। मेरा वजन कितना? 50,000, 55,000, 56,000। 55 चोर रहे बचपन। मेरा नाम फास्टन गिरपन। 75,000 65 65 दिया 65। ये लो एडवांस 65। आज का नाइट प्लानिंग पूरा टाइट है, कल फाइट है। तुम्हारा दोनों लौंडा एक लेफ्ट है एक राइट है। 65 चल हट। कितना प्यारा विवाह तू कर। निकल गया मेरे सामने बात करता। क्या करे ना पेशड़े वेरी पोर डाई विद मार्ट। कुछ भी बोल अजय, गांव की जिंदगी में बहुत सुकून। ठीक है यार। रुको। कहाँ जा रहे हैं आप? मास्टर जी के यहाँ। ओ, टेलीग्राम आया बंबई से। एक काम कीजिए, ये टेलीग्राम हमें दे दीजिए, हम दे देंगे। नहीं जी मैं। अरे आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं, हम लोग वहीं जा रहे हैं, आप जाइए। जी ओके, अच्छा ठीक है जी। क्या लिखा है? मोहन त्रिपाठी दुर्घटना में। देव हम कब तक छुपाएंगे? मेरी बात मान, यहां से निकल जाते हैं हम लोग। मेरे ख्याल से तो ठीक कह रहा है। चल शारदा लो तू यहां पर बैठिए, अजय और देव जा रहे हैं। अरे क्या हुआ, तू रो रही है? सारी बहनें आज के दिन अपने अपने भाइयों को राखी बांधती और मैं ए शारदा, अजय और देव तेरे कौन है? भाई तो है देव। नहीं भैया, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैं जो मांगू आप लोग मुझे देंगे? बोल तुझे क्या चाहिए? जब तक मोहन भैया नहीं आ जाते आप दोनों यहीं रुक जाइए। ठीक ही तो है, कुछ ही दिनों की तो बात है, रुक जाओ ना तुम दोनों। ठीक है रुक जाते हैं। खुश हो गई ना? देव तुझे अच्छी तरह पता है कि मोहन कभी नहीं आने वाला, फिर भी तू यहां रुक गया। मोहन के बारे में लोगों को पता चल गया ना तो देख, तू मेरी बात मान, किसी को बिना कुछ बताए यहां से खिसक जाते हैं। हा? 2-4 दिन रुक जाते हैं, शारदा का दिल रह जाएगा। देव इस गांव में 2-4 दिन देव 4-5 दिन तो मैं आराम से काट सकता हूं।
ये सारी लड़कियां कहाँ जा रही हैं यार? नदी पे जा रही हैं। नदी पे? क्यों? नहाने। नहाने? खुले में? गांव में लोग खुला खुला ही नहाते हैं। साला मैंने अपनी पूरी लाइफ में एक सिंगल लड़की को नहाते हुए नहीं देखा, यहाँ इतनी सारी देखने को मिलेंगी, ये नजारा तो मुझे देखना ही पड़ेगा। पिटेगा देव, ये नजारा देखने के लिए तो मैं पिटने को भी तैयार हूँ। पिटिए पिटिए। अरे मैंने तो अभी तक नजारा देखा भी नहीं और पिटने चले आए, शायद गांव में सोचने पर ही पिटते होंगे। पीटते होंगे, पीटेंगे। ओ, भागो, देव, देव। कितने आदमी हैं? 12, और वो भी 6-6 फुट के। और हम 2? नहीं देव, हम 1, क्योंकि आज मेरा हनुमान जी का व्रत है, मेरी लंबी उम्र के लिए। अरे नाराज मत हो यार, तोड़ देता हूं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो ये ले। तेरे सामने जो भी आने का वो जिंदगी से हाथ धो के जान करे। ये क्या वे? भी नहीं यार, यार को गुस्सा मत करा। भी नहीं, अच्छा बाद में। ओके मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। या हे भगवान, मुझे इस गेंडे से बचा ले, मैं तुम्हारे पास पड़ता हूँ, इस गेंडे से बचा ले, मुझे इस गेंडे से बचा ले। I'm sorry. अभी नहीं यार। क्या बोला?
मार कर सबको मार मार के सुना रहे मटका मोड़ मोड़ के मार रहे तेरा को मैं नहीं छोड़ेगा अय्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये अजय कहाँ गया? मुझे नहीं, तुझे बुला रहे हैं। क्या बे? तूने हमारी बहन को छोड़ा है, उसे नहाते हुए देखा है। एक काम करते हैं, मैं अपने कपड़े उतार देता हूँ, आप लोग मुझे नंगा नहाते हुए देख लो, बात बराबर की नहीं? भाई के साथ युद्ध करना पड़ता है? हाँ। यू? हाँ मैं। नी? हाँ। ओके। ओके। भाई कौन है? ये। काश तू भाई होता यार, मजा आ जाता। हाँ पहलवान साहब, हमारे शहर का भी एक रिवाज है, अगर किसी लड़के ने लड़की को छेड़ा तो उस लड़की के भाई को लड़के के भाई के साथ युद्ध करना पड़ता है। एक सेकंड ना, मैं अभी आया, आप यहीं रुकिए। देव, देव, उठ। क्या हुआ? क्या हुआ? उस गेंडे की साइज देखी है तूने? वो साला मेरा दाया हाथ तोड़कर बाया हाथ में दे देगा और बाया हाथ तोड़कर मेरे गले में लटका देगा। ए, तू नहीं पढ़ना उसके साथ हा? नहीं, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, आज मैं खाता पीता नहीं। तू मुझे मरते हुए देख सकता है? मजबूरी है। तो ठीक है देव, मैं तुझे अगले जन्म में मिलूंगा। ओके, सबसे पहले इस युद्ध के नियम तय कर लेते हैं। हमारे यहाँ कोई नियम नियम नहीं होता है। देखा, नो नियम। अब कोई तो बोला 1 2 3 गो। 1 2 3 गो। नाम क्या है तुम्हारा जी? तुम्हारा नाम क्या है? मानसी। बहुत प्यारा नाम है। गई काम से।
मुस्कुराना, तेरा शर्माना, नजरें मिलाना। मेरे हम सफर, हाँ, बोलो सोच कर क्या मुझ में तुमको अच्छा क्या लगा। तेरा यार आना, बातें बनाना, सपने दिखाना। मरने के बाद मिट्टी में मिलते हैं, लेकिन तुम तो जीते जी मिट्टी में मिलना चाहते हो। गुस्से से नहीं, अकल से काम लो मास्टर। मेरी बात सुनो, उन दोनों शहर के लौंडों को लेकर अपने परिवार के साथ कहीं और जाकर बस जाओ। तुम अच्छी तरह जानते हो भानु प्रताप, मैं जीते जी अपना एक गांव छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। तुम्हारी इच्छा पूरी करना तो हमारा फर्ज है। तुम अपने पैरों पर जाओगे कि हम तुम्हें चार कंधों पर भेजते हैं। क्या यहां की मिट्टी तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा कीमती है? ठाकुर, जिसे तुम महज मिट्टी समझते हो, वो हमारे लिए मिट्टी नहीं बल्कि भगवान की दी हुई सबसे बड़ी नेमत है, और नेमत की कोई कीमत नहीं होती। फैसला तुम्हारे हाथ में है। Hey, 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 hey!
कहीं चोट तो नहीं आई? कमाल है सिंघानिया साहब, लोग मरने के बाद मिट्टी में मिलते हैं और आप होके जीते जी मिलना चाहते हो। तो तुम हो वो शहरी लौंडे, हाँ? तुम नहीं जानते कि हम कौन हैं? हम? मैं की औकात नहीं, और हम का दावा? इस उम्र में बच्चों की तरह इधर उधर हाथ नहीं उछालते सिंघानिया। मौत आ जाएगी। जा अपने परिवार के साथ उन टीन के डब्बों में बैठ के निकल जा, और याद रखना, आइंदा इस गांव में आया तो आएगा अपने दो पैरों पर और जाएगा चार कांधों पर। देव भैया। क्या है? देव भैया मुझे नीचे उतारी है ना। चढ़ी कैसे थी? अपने आप। तो अपने आप उतर जाओ। देव भैया प्लीज उतारिए। अच्छा ना। बाबा आओ भैया संभालना। हाँ हाँ। कितनी भारी है। आपकी चोरी पकड़ी गई। चोरी? भाभी की। भाभी की? भाभी तो ये है। अरे भाभी तो मैं आपकी हूँ। मैं तो हम दोनों की भाभी के बारे में बात कर रही हूँ। जब से वो शहर से आई है आपके बारे में 100 बार पूछ चुकी है। अब तक तो रूठ कर बैठी होगी। जाइए जाइए उसे मनाइए। जाइए 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 जाइए। राजा? मैं कोई तेरा राजा वाजा नहीं हूँ, मैं देव हूँ। अरे राजा ही तो है दूर, मेरे सपनों दूर, का दूर। और क्या रे, तुझको कैसे मालूम पड़ा मैं यहाँ हूँ? हाँ कैसे मालूम पड़ा तुझको? अरे तेरे बाबा को एक बाटली टिका दी, उसने बता दिया तू तो किधर है। बाबा? और क्या रे, बार बार तू शारदा को भाभी भाभी क्या बोलती रहती है? किसकी भाभी, कौन सी भाभी? क्या बोला रे, यही तो बोला ना कि मैं तेरी हूँ। अरे अगर बिना रिश्ता बनाए आती तो ये गांव वाले बेचारे बेहोश हो जाते। लेकिन मैं होश हूँ। 2 घंटे बाद यहाँ से एक बस जाती है जो सीधे बॉम्बे जाती है। उस बस के अंदर बैठ जाओ और सीधे तुम बॉम्बे चली जाओ। मैं तुम्हें आके बॉम्बे में मिलता हूँ, ठीक है? और हाथ नीचे रखो और चलो। अरे मैं तो कहीं नहीं जाने वाली। कोई बात नहीं सुनना चाहता। और यार तुम हमेशा चिपकती क्यों रहती हो, दूर नहीं रह सकती तुम? क्यों, नर्सी करने से कुछ होता है? कुछ नहीं होता। अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं होता, एक ट्राई तो मार ले। किसने कैसे तुम्हारा नाम शर्मीली रख दिया? अरे तुम्हें तो कोई शर्म है ही नहीं। अरे जब तेरी हो चुकी हूँ तो तुझसे क्या शर्म राजा? राजा नहीं, मेरा नाम देव है, देव। तुझसे कैसे पीछा छुड़ा मेरी रानी? अरे भाई मेरी शादी नहीं हुई है। मैं नहीं मानती, आज तुम्हारे दोस्त की शहर से दुल्हनी आ गई, कल तुम्हारी आ गई, तो मैं तो शादी से पहले ही सौतन बन जाऊंगी ना। रो मत मानसी, रो मत रो मत। अरे चुप, देखा बिना रोए कितनी प्यारी लगती हो तुम। अब क्या हुआ? तुमने मुझे डांटा क्यों? देखो मानसी, मेरी प्यारी मानसी, मान जा, मेरी शादी नहीं हुई है, उसकी शादी नहीं हुई है। अरे वो मुझसे बड़ा है, अगर उसकी शादी नहीं हुई है तो मेरी कैसे हो सकती है? मैं नहीं मानती, तुम झूठ बोल रहे हो। तू नहीं मानेगी, तू नहीं मानेगी। चलो मेरे, चलो तुम्हारा रोना सुन सुन के मेरे कान पक गए। जब देखो रुपए दी और वापस आना मत कर, दोनों तुम्हारे सामने लाके सब कर दे। यार एक प्रॉब्लम है यार, समझा ना। तू बोल, चल तू बोल। नहीं तू बोल, बोल बोल चल। नहीं नहीं तू बोल यार। देव मेरे भाई प्लीज इसको समझा दो कि तूने शादी नहीं की है। शर्मीली तुम दोनों की वजह से मेरा टूट रहा है, कुछ कर। क्या है बे? शादी नहीं की मैंने। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, शादी नहीं की इसने। शादी नहीं की? अरे नहीं हुई तो हो जाएगी, है ना राजा? तू चुप रहा, बीच में बोलना मत, बीच में बोलना मत। हाँ तो मैं क्या बोला था, अजय देख तेरी वाली वहाँ चले गई। वाकई तुम्हारी शादी नहीं हुई? नहीं। तुम उसके साथ शादी के बिना रहोगी? हाँ। शांता भाभी कहती थी कि शादी के पहले लड़का लड़की साथ में रहे तो गड़बड़ हो जाती है।
इसी गड़बड़ का तो इंतजार है ना राजा? नहीं 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 नहीं, तुम इसके साथ नहीं मेरे साथ रहोगी, मेरे घर मेरे भाई और भाभी के साथ। चलो चलो यहाँ से। हाय राम, जानती नहीं हो ये पाप है, क्या कर रही हो तुम? चलो चलो मेरे साथ। शुक्र है गई यहाँ से। थैंक्स देव। सुनिए जी, आप उन दोनों को समझाते क्यों नहीं? किन दोनों को? देव और अजय को। और किन दोनों को? क्यों, क्या हुआ? रूपा की माँ आई थी, वैसे तो कह रही थी मजाक में, पर मुझे बहुत बुरा लगा। अजय सबके सामने मानसी का हाथ पकड़कर घूमता है, और वो जो क्या नाम है छोरी का, शर्मिली, नाम का मतलब तो उसे पता नहीं है, ऐसे कपड़े पहनकर घूमती है कि गांव की गाय भैंस भी शर्मा जाए। अरे तो मुझे क्यों सुना रही हो? वो आएगा ना मोहन शहर से, उसे कहना वही समझा देगा अपने दोस्तों को। अरे शर्मिली, चलो चलो चलते हैं, उन दोनों ने तो कपड़े ही नहीं पहने। तो क्या हुआ, उसने तुझे नहाते हुए देख लिया ना, अब तू भी उसे देख ले। मुझे तो शर्म आती है। क्या रे, शर्मिली नाम मेरा है और शर्म तुझे आने लगी। देख आज मैं तुझे जो भी कहूंगी ना तू वही करेगी, जो कपड़े मैं तुझे दूंगी पहनने को तू वही पहनेगी। ना बाबा, मैं ऐसे वैसे कपड़े नहीं पहनूंगी। हाँ हाँ, एक लगाऊंगी रख के, अभी पहनेगी के नहीं? लगाओ। अच्छा पहनूंगी। ओके ओके। यार देख, इस पानी में लोग सुसु तो नहीं करते होंगे।
कृष्णा कृष्णा अरे क्या हुआ लक्ष्मा क्या हुआ क्या हो गया माँ कैसे वो लड़कियाँ डर गई जब हम पानी से निकले हाँ क्या हुआ मासी जी बहू की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई है मैं साथ वाले गांव से डॉक्टर को लेने जा रहा हूँ क्यों हमारे गांव में डॉक्टर नहीं रायपुर में एक डॉक्टर है 6 किलोमीटर दूर मैं आता हूँ मासी जी आप एक काम कीजिए आप अंदर जाइए हम जाके डॉक्टर को ले आते हैं आप जाइए आप भाभी जी के पास रहिए शुक्रिया डॉक्टर साहब बहू तो चल बसी लेकिन आप आए तो बहुत बहुत धन्यवाद आपकी फीस में नहीं नहीं मुझे अफसोस है दीनानाथ जी मैं वक्त पर नहीं पहुंच पाया अच्छा आज गांव में अस्पताल या डॉक्टर होता तो शायद बहू बच जाती खैर मुझे मोहन को खबर करने जाना है वही तो आग देगा बहू की चिता को इंतजार करना ठीक नहीं आप अंतिम संस्कार कर दीजिए अरे कैसे अंतिम संस्कार कर दूं? मेरी बहू सुहागन है मोहन के आए बगैर अंतिम संस्कार नहीं हो सकता है और फिर अभी दूसरी बस आने वाली है नहीं आया मोहन कौन आग देगा इसकी चिता को इसका पति है वो क्या समझता है कि शहर चला गया तो हम सबसे नाता टूट गया उसका कितना निर्मोही हो गया है वो मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि दुश्मन को भी ऐसी संतान न दे मास्टर जी आप मोहन को मत कोसिए तो क्या करूं दोस्त है तुम लोगों का मगर कैसा दोस्त है तुम लोगों को भेज दिया हमारा दुख बांटने को लेकिन खुद हमसे मुंह फेर लिया उसका इंतजार मत कीजिए मास्टर जी अंतिम संस्कार कर दीजिए आएगा आएगा जरूर आएगा माँ जी मोहन नहीं आएगा कैसे नहीं आएगा मेरा बेटा आएगा माँ जी अंतिम संस्कार कर दीजिए मोहन नहीं आएगा आएगा उसे आना ही पड़ेगा माँ जी मोहन नहीं आएगा वो मर चुका है उसकी मौत के जिम्मेदार हम लोग हैं ये नहीं हो सकता ये हो ही नहीं सकता तूने कहा था ना
मेरा बेटा पढ़ रहा है परीक्षा के लिए और उसको चश्मा भी लग गया है। परीक्षा के बाद वो आएगा। उसने हमारे लिए रुपए भी तो भेजे थे तुम्हारे हाथ। फिर ये देख ये मेरी बहू मोहन की पत्नी। तू इसे रोज कहता रहा वो आएगा बहुत जल्द आएगा और ये उसके इंतजार। इतना बड़ा झूठ इतना बड़ा धोखा। एक माँ को पहले दिन क्यों नहीं बताया। एक बार मैं अपने बेटे की शक्ल तो देख लेती। इतने दिनों से तुम दोनों हमारे अरमानों से खेलते रहे झूठ बोलते रहे और आज कहते हो मेरा बेटा है नहीं। वो आएगा कैसे भी तुम ढूंढ के लाओ। तुमने कहा था ना वो जरूर आएगा। क्यों चाहिए ले गया मेरे बेटे को। मुझे मेरा बेटा चाहिए मेरा बेटा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने कुछ असूलों को मानते हुए गुजार दी क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लोगों की इंसानियत पर पूरा भरोसा था। लेकिन आज तुम लोगों ने न सिर्फ मेरे विश्वास को बल्कि मेरे पूरे अस्तित्व को ठेस पहुंचाई। मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ तो नहीं सकता लेकिन एक प्रार्थना जरूर करूंगा। आज के बाद कभी हमें अपनी शक्ल मत दिखाना। जाओ चले जाओ यहां से जाओ। दारू वाह क्या बात है लाला इतनी रात गए। सिंगानिया साहब पाय लागू। वो दोनों छोकरे थे ना मास्टर जी के घर में वो खूनी निकले। मास्टर के बेटे का ही खून करके आए थे शहर से। मास्टर ने और गांव वालों ने भगा दिया उनका खोल खोल के। क्या हुआ आप इतनी अच्छी खबर सुनकर भी खुश नहीं हुए। नहीं लाला नहीं। खुश तो मैं तब होऊंगा जब बदलापुर की सारी जमीन मेरी हो जाएगी और जहां वो झोपड़े खड़े हैं वहां मेरे अरमानों की इमारतें देखूंगा। लाला मास्टर की जमीन पर कब्जा कर लो। उसकी मगरूरी का वो मकान जहां खड़ा है राख का ढेर लगा दो। दरोगा इधर आओ। कल तुम्हारे पूरे पुलिस स्टेशन को एक दिन की छुट्टी मेरी ओर से। ये लो। Ciao.
हट जा मानसी, हट, चुआ मेरे साथ। डूब गया सिंघानिया, तेरा सब कुछ डूब गया। खोल खोल के निकल ले। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। मास्टर जी की आंखों में नफरत बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। जी में आता सबको छोड़ के वाकई चला जाना से। जा तो रहे थे, फिर हम सबको स्टेशन से वापस क्यों ले आए? मैं बताती हूं, तुम्हारा दिल नहीं माना, तुम्हारे जमीर ने रोका तुम्हें। सच बात तो यह है कि तुमसे मास्टर जी और उनके परिवार का दुख नहीं देखा जाता। अरे जरा जाकर उनके दिल से पूछो कि वो ये दुख कैसे सह रहे हैं। उन्होंने अपना जवान बेटा खोया है देव, वो बेटा जिसकी मौत के जिम्मेदार कहीं ना कहीं तुम भी हो। तुम्हें मास्टर जी की नफरत बर्दाश्त करनी पड़ेगी देव, उनके प्यार की, उनकी ममता की कीमत चुकानी पड़ेगी जो तुमने उनसे छीनी है। वो देव जिसे मैंने जाना है, जिसे मैंने समझा है, जिसे मैंने चाहा है, वो देव कभी नहीं टूट सकता। शर्मीली, तुम्हें याद है तुमने मुझसे एक बार पूछा था, जब भी तुम मेरे करीब आती हो, मुझे छूती हो, तो मुझे कुछ होता है या नहीं? हाँ, और तुमने कहा था कि तुम्हें कुछ नहीं होता। मैंने झूठ बोला था। सर आप फिर से तो कहना राजा।
कह रहा हूँ तो ही इस दिल पे छाई है ये बात, लेकिन मैंने खुद से भी छुपाई है। दिल ही दिल में जो तमन्ना थी मेरी, दिल ही दिल में जो तमन्ना थी मेरी, बातों ही बातों में मेरे होठों पर वो आ गई, फासले मिटा गई। नहीं कही थी बात जो मैंने कभी, नहीं सुनी थी बात जो तूने कभी, बातों ही बातों में मेरे होठों पर वो आ गई। सिंघानिया साहब, सिंघानिया साहब कहाँ है? कर क्या रहे हैं सिंघानिया साहब? अरे गूंगा हो गया, बोलता क्यों नहीं है? सिंघानिया साहब, आप जो कुछ भी कर रहे हो उसे बंद कर दो, खोल खोल के जल्दी आओ। क्या बात है लाला, क्या उधम मचा रखी है? दो टिकट लेकर आया हूँ मैं हरिद्वार की, एक फर्स्ट क्लास की और एक थर्ड क्लास की। चलो चलते हैं तीर्थ यात्रा पे खोल खोल। बकवास बंद कर, ये टेढ़ी मेरी बात छोड़, सीधा बोल। तो सीधी बात ये है सेठ जी कि वो दोनों शहरी लड़के आपके लिए बहुत टेढ़े हैं। जब तक वो दोनों गांव में हैं, बदलापुर आपका हो ही नहीं सकता तोल तोल के। होगा लाला, जरूर होगा। उस गांव पर कानूनन हक मेरा था, जो मेरे बड़े भाई सूरज प्रताप सिंह ने उस औरत सुलक्षणा की शिकायत पर मुझसे छीन लिया, जो आज उस स्कूल मास्टर की बीवी बनी है। नहीं, तुम नहीं जानते लाला, आज भी जब उस हादसे का ख्याल आता है तो मुझे चैन की नींद नहीं आती। तुम तो जानते हो कि उन गांव वालों ने मेरे साथ क्या सुलूक किया था। जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं। आपका सर मुंडवाकर, मुंह काला करके, गधे पे बिठाकर, सड़े हुए टमाटर अंडे फेंक कर, पागल कुत्ते की तरह मार मार कर आपको बदलापुर गांव से बाहर फेंक दिया था खोल खोल के। लेकिन एक बात तुझे नहीं मालूम लाला, उसी रात मैं बदलापुर गांव वापस आया था। Thank you.
ये कुल्हाड़ी तू देख रहा है लाला? ये वही कुल्हाड़ी है। अगली बार अगर खाली हाथ तू मेरे पास कोई मनहूस खबर लेकर आया तो फिर से यही कुल्हाड़ी मेरे हाथ में होगी। और क्या? राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। भयानक सपना। जय आपकी की लाला। हट साले। लिटा देगा वो हमेशा के लिए, सुला देगा, मार देगा वो दो सिंह वाला सिंघानिया। रे मार देगा। हाय 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 हाय। दरोगा वो दोनों लखिया के तबेले में सोते हैं, रात को जाके उन दोनों के सीने में गोली दाग दे। ना लाला ना, वो देव तो कुत्ते की नींद सोता है। लखिया कह रहा था कि हवा का रुख बदलते ही उसकी आंखें खुल जाती हैं और अजय पलक झपकी नहीं कि उसकी पिस्तौल सामने आ गई। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। जरा पलट के देख लाला। आता है गुटी खेलने। वाह, अब खोली लाले की खोपड़ी की खिड़की खोल खोल के। दरोगा देख रहा है वो दोनों छोकरे अलग अलग हो गए। अगर इन दोनों को अलग अलग कर दिया जाए तो इनकी ताकत भी आधी आधी। इन दोनों को शिट। हाँ। चल जल्दी पैसा निकाल। क्या यार, बच्चे लोग को लूटता है साला। गांव का पिद्दा अंग्रेजी में गाली देता है। बोल कौन सा मारू, जल्दी बोल। पिछली। ये क्या बात है हीरो, बच्चों के साथ गोटियां खेल रहा है, वो भी सिर्फ 50-50 पैसे। क्या करूं लाला, हाथ में खुजली है और तेरे इस फटीचर गांव में जुआ भी तो नहीं चलता। सोचा कहीं आटो प्रैक्टिस ना हो जाओ। तू खेलेगा क्या? अरे मैं ये छोटा मोटा जुआ नहीं खेलता। हमारे यहाँ हर रोज रात को बड़ी महफिल जमती है। ज्यादा खुजली होना, जेब में पैसे भर के आ जाना, खेलेंगे खोल खोल के। ऐसा क्या? हाँ ठीक है लाला, तू चल, मैं रात को आया। ताश तैयार रखना। लाला खेलेगा। हटो। मेरा 1,000। बैक बैक। ये देखो सैरी बाबू, हमारे आए 2,000 खोल खोल के। दो हजार और शो। अपनी लाइफ में एक भी नहीं थी, अब तीन तीन आ गई। तोल तोल के खोल खोल के ले लू। अरे भाई जरा हाथ दे। ये ला हमारी तरफ से गुड लक। थैंक यू। क्यों छोरा, पैसा खत्म हो गया? हमारे फटीचर गांव में उधार देने का दस्तूर नहीं है। एक काम कर, ये हमारी तरफ से गुड लक। कल बच्चों के साथ गोटिये खेलना, 1-1 रुपया ले लेना। दारू पी रहा भोगड़ की कटक गया। अब एक काम कर, घर जा, दूध पी के सो जा तोल तोल के। सैरी बाबू, पंजाब भिखारी बाबू। तू यही रुक लाला, मैं भी आया पैसे लेकर।
शारदा इतनी रात गए, घर में सब कुछ ठीक तो है ना? इस हद तक गिर जाओगे आप लोग, मैंने सोचा नहीं था। पहले क्या कम दुख दिए थे मेरी माँ और पिताजी को, चोर चोरी पर उतर आए। चोरी? कौन सी चोरी? माँ ने मेरी शादी के लिए जो कंगन बनाए थे उसे अजय भैया चुरा कर ले गए। अजय ने कंगन चुराए? ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं चाहती तो शोर मचा कर घर वालों को जगा देती, मगर मुझे मेरे राखी के बंधन ने रोक लिया। फिर हार गया। अरे देव, तू यहाँ क्या कर रहा है यार? अजय चलो मेरे साथ। क्या बात कर रहा है यार, देखता नहीं मैं जीत रहा हूँ? तू जा मुझे खेलने दे। हाँ किसकी डील है? अजय चल मेरे साथ। चल रहन देना यार, मुझे खेलने दे। अरे तू जाना, छोरा जीत रहा है तोल तोल के। चल अजय। क्या कर रहा है यार, खेलने देना। पत्ते फेंक चल। ए मेरे पैसे संभालना, मैं अभी वापस आ रहा हूँ। अरे कहाँ घसीट के ले जा रहा है यार, अच्छा खासा जीत रहा था। चल अजय। अरे संभाल यार। अजय मास्टर जी के घर से तूने कंगन लिए हैं क्या? चुपचाप मेरे हाथ में कंगन रख दो, बात यहीं खत्म हो जाएगी। पर कौन से कंगन, किसके कंगन, तू बोल क्या रहा है यार? शारदा ने अपनी आंखों से तुम्हें कंगन चुराते हुए देखा था। शारदा ने? अरे झूठ बोल रही है शारदा। अबे तुझे क्या हो गया, खामोखा दे दी। अजय मैं तुझे आखिरी बार कह रहा हूं, मुझे वो कंगन दे दे। वो कंगन मुझे दे दे? अबे कहां से लाऊं भाई, कंगन मंगन नहीं है मेरे पास। अजय कंगन। हेलो। अरे मेरे प्यारे प्यारे अजय और देव, काय को मारा पीटी करते हो आपस में? कंगन इसलिए मेरे पास गिरवी रखे थे तोल तोल के 40,000 रुपए में। जुआ जो खेला था कोल कोल के। हाँ हाँ चुराए मैंने कंगन, मेरे कंगन चुराए। तो क्या बुरा किया, जीत कर कंगन भी छुड़ा लेता और ऊपर से पैसा भी कमा लेता। पैसों के लालच में तू इतना अंधा हो गया है कि तूने उसी घर में चोरी की जहाँ तुझे इतनी इज्जत मिली, तब प्यार मिला। अरे कौन सा प्यार, काहे का प्यार, धक्के और धिक्कार के सिवाय मिला क्या है मुझे, तू बता। अजय तू इतना कमीना हो गया है, इतना कमीना हो गया तू। बस हो गया देव। चला जा यहां से, चला जा। अपनी कभी सूरत मत दिखाना मुझे, निकल जा इस गांव से। जा रहा हूं मैं, जा रहा हूं। मुझे भी तेरी शक्ल नहीं देखनी, नहीं रहना मुझे तेरे इस गांव में। तू अब सही जगह जाएगा मेरे साथ। आओ 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 मेरे अलादीन के चिराग, आओ आओ आओ। सेठ जी ले आया हूँ, खोल खोल के तोल तोल के। लाला तुम्हारी अकल घास चढ़ने गई है, ये छोटा सा बच्चा और गांव मेरे कदमों पर झुकाएगा?
बच्चा होने से सांप का जहर तो कम नहीं होता। और वैसे भी आपको अपने काम से मतलब है या मेरी उम्र से? बेशक काम से, काम की परछाइयां पकड़ने का शौक नहीं है मुझे। ये परछाइयां पकड़ने का ही तो नतीजा है सिंघानिया साहब, कि आज तक आप बदलापुर नहीं ले सके। नहीं, बरसों की मेहनत से कमाया हुआ नाम और इज्जत मैं बदलापुर के सर्वनाश के साथ नहीं जोड़ना चाहता। मगर मैं अपने साथ जुड़े तमाम रिश्ते तोड़ आया हूं, मोहब्बत और दोस्ती बहुत पीछे छोड़ आया हूं। सिंघानिया साहब, मैं बहुत आगे बढ़ना चाहता हूं, दौलत से रिश्ता जोड़ना चाहता हूं। मैं आपके लिए एक गांव ला सकता हूं, मगर मुझे अपने हर काम, हर जज्बात की कीमत चाहिए। क्या कीमत है तुम्हारे काम, तुम्हारे जज्बात की? 25 लाख। गांव ले आओ, 25 ले जाओ। ओ देव, ये तो क्या कर रहा है? एक एक घर से दस्तखत ले लो, जो ना करे गोली मार दो। अजय, तू ऐसा नहीं कर सकता। तू अच्छी तरह जानता है देव कि मैं तुझे तो गोली नहीं मार सकता, और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुझे इन गांव वालों से कितना प्यार है। मुझे रोकने के लिए तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तेरा एक चाहता गांव वाला। अजय, ऐसा तो कुछ नहीं करेगा। लगी शर्त? अजय, तू ऐसा अजय, अजय ये तू क्या कर रहा, तू पागल हो गया? देव, आगे मत बढ़। देख, बंदूक मुझे दे दे, बंदूक मुझे दे दे। अजय, देख, मासूमों को मत मार, बंदूक मुझे दे दे। आगे मत बढ़ देव, इन मासूमों को मत मार। अजय, तू जीता मैं हारा, अब और किसी मासूम की जान मत लेना। देख, तुझे ये गांव चाहिए ना, मैं गांव वालों से दस्तखत लेके तेरे लिए कागजात लेके आता हूं। लेकिन अब किसी को मत मारना, मैं खुद जाता हूं। लेकिन अब तू किसी मासूम को नहीं मारेगा, किसी को भी नहीं।
थैंक यू मिस्टर सिंघानी। विक्टर से ले आया? हाँ कहाँ है? गाड़ी में। चल के फाड़ फाड़ के देख रहे हो चाचा और अपनी कमीज अभी तक नहीं बदली। अरे बेटा ये तो जीत की निशानी है, जिंदगी में पहली बार नाटक में भाग लिया है, हमें बड़ा मजा आया। अरे मजा तो हमें भी आया चाचा, दोस्ती से दुश्मनी का नाटक करने का। लेकिन इतना लंबा नाटक तुम दोनों ने सोचा कैसे? सोचा इन्होंने नहीं, सोचा लाला ने था। लाला ने? हाँ मैं उस वक्त वहाँ मौजूद थी जब लाला दारोगा से इन दोनों को अलग अलग करने की बातें कर रहा था। उन दोनों की ताकत भी आधी आधी हो जाएगी। उन दोनों को शर्मीली ने हम दोनों को सब कुछ बता दिया और हमने वही किया जो लाला चाहता था, और ये पैसे उसी नाटक का फल है। सिंघानिया आप लोगों का गांव छीनना चाहता था और हमने उसकी थोड़ी सी दौलत छीन ली। लेकिन किस लिए? इसलिए कि दोबारा तुम्हारा थप्पड़ ना खाना पड़े। वैसे दिखने में बड़ी दुबली पतली हो लेकिन हाथ बहुत भारी है तुम्हारा। हे मानसी, शादी के बाद तो नहीं मारेगी ना? बोलना नहीं मारेगी? हे मानसी, बोलना बोलना। देखो चाचा, इस पैसे से मास्टर जी का सपना पूरा होगा। हाँ चाचा, इस गाँव में मोहन के नाम का अस्पताल बनेगा। कोई अस्पताल नहीं बनेगा, झूठ धोखे और बेईमानी से हासिल की हुई दौलत से हमारे मोहन का नाम नहीं जुड़ेगा। लेकिन मास्टर जी, इस गांव को अस्पताल की सख्त जरूरत है। हाँ मास्टर जी, आप ये पैसे रख लीजिए मास्टर जी। कभी नहीं, आपकी धरती पर मंदिर की स्थापना नहीं होती। चोरी और बेईमानी का पैसा बांट देने से कोई दानी नहीं बन जाता। पहले तो इंसान की टांगे काट देते हो, उसके बाद उसके हाथों में बैसाखी थमा देने से फरिश्ते नहीं बन जाओगे तुम लोग। मुझे आज भी तुम दोनों की आंखों में अपने मोहन की लाश नजर आती है। हम मोहन और बहू के पिंडदान के लिए जा रहे हैं, हमें दो चार दिन लग जाएंगे। मेरे पीछे ऐसा कुछ मत होने देना जिससे मुझे दुख पहुंचे। मास्टर जी की बात का बुरा मत मानना बेटा, वक्त हर जख्म भर देता है। चाचा वक्त ही तो नहीं है हमारे पास, सिंघानिया को अब तक सब कुछ पता चल चुका होगा। क्या बात है वकील साहब, इतने परेशान क्यों हो? ये कागजात हमारे किसी काम के नहीं है, सब कागजों पर एक ही आदमी के अंगूठे के निशान है। ये रद्दी है रद्दी, दीज आर यूजलेस। वो दो टक्के का लड़का मुझे बेवकूफ बना गया। नहीं, नहीं। लेकिन विक्टर, मैं हिंदुस्तान के नक्शे से बदलापुर का नाम और निशान मिटा दूंगा। हे
हैं। जाओ और एक एक को बाहर निकालो। जाओ तक वो दोनों टिकट संभाल के रखिए। मैं तो चला हरिद्वार हमेशा के लिए तोल तोल के, और सिंघानिया हाँ तेरी टिकट तो आज कट गई। अब मैं फर्स्ट क्लास में जाऊंगा और तेरे क्रियाक्रम का बंदोबस्त करूंगा मैं खोल खोल के। निकल ले, राम राम सत्य है, लौटे साले मस्त है। जब मैं बोलूं गांव नहीं जाना तो नहीं जाना, ओके? धूल और मट्टी के साथ साथ गोलियां भी मिल गई यार। अजय, अगली बार छोटा गांव नहीं देखेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, बड़ा गांव देखेंगे, बड़ा पंगा लेंगे। कैसी हो सुलक्षणा? तुम्हारी वजह से मुझे इस गांव से बेइज्जत करके निकाला गया था, और अब
मैं इसी गांव में मास्टर की इज्जत उतारूंगा। उठा लो मास्टर की बेटी को और इसकी इज्जत को तार तार कर दो। नहीं, नहीं, नहीं। माँ को बुरा लगे समझ में आता है, बाप को बुरा लगे समझ में आता है, लेकिन तुम दोनों को बुरा क्यों लग रहा है? ओ लाला ने बताया था, राखी बांधी है ना उसने तुम दोनों को। उसके सगे भाई मोहन को तो मैं बहुत पहले मरवा चुका हूं। और अब तुम दोनों राखी भाइयों के लिए कुछ और इंतजाम है मेरे पास। विक्टर, लेट द शो बिगिन। समझती है तुझे भगवान बचाएगा है? मुझे याद किया। Ah!
मार डाल साले को, मार डाल साले को। मेरी परवाह मत कर देव, गोली चला चला, घोड़ा दबा दे देव, कमान देव, गोली चला, फूंदाली से कमान उड़ा दे से, देव घोड़ा दबा दे, गोली चला, नहीं देव, देव मेरी फिक्र मत कर, घोड़ा दबा, थैंक्स देव। ठहरो, मैं गलत था मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो। मैंने एक मोहन खोया है तो दो मोहन मिले भी तो है मुझे।